ये अपना हाइड्रा पिन प्रो मशीन है 5-in-1 में, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, बैक साइड में ओनली पावर केबल है, ठीक है। और अटैचमेंट करने के लिए हो गया अपना, जैसे हाइड्रोजेड हो गया डैंड्रफ के लिए, क्रिस्टल डायमंड के लिए पाइप वगैरह लगाना है तो बैक साइड से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसरीज है इसकी, ये अपना डायमंड के लिए हो गया, ये अपना स्प्रेजेड हो गया, ठीक है। ये डैंड्रफ के लिए हो गया, ये हाइड्रा के प्रूफ हैं और ये डायमंड के हैं, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन के लिए, जो हाइड्रा का ऑन ऑफ है यहाँ से ऑन हो जाएगा ये, ठीक है। सक्शन कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, एयर का मिनिमम मैक्सिमम करना है तो यहाँ से मिनिमम हो जाएगा इस तरीके से, और क्लॉकवाइज से मैक्सिमम हो जाएगा इसका। ये इसका प्रोप है जो हाइड्रा का है, ठीक है। ये वाटर के लिए हो गया, जो इनसाइड जो जाता है वाटर वगैरह डालना है तो यहाँ से ऊपर से आप डाल सकते हैं, पानी वगैरह कुछ भी आपने डालना है या सीरम वगैरह कुछ भी मिक्स करना है। तो अगर लग रहा है वाटर का फ्लो है तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं नीचे से, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो मिनिमम पे होगा और इस तरीके से करेंगे तो मैक्सिमम पे होगा, ठीक है, यहाँ से एडजस्ट होगा। ये आपका वेस्टेज के लिए है, और वेस्टेज बाहर निकालने के लिए नीचे से नोब है, बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर देंगे नीचे के साइड में तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा वाटर जो भी होगा वेस्टेज, जो हाइड्रा का है, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रा में ये नोब और इसका वर्किंग है इसका, हाइड्रा का अगर बंद करना तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले जो ऑन होगा वो क्रिस्टल और डायमंड के लिए है, क्रिस्टल डायमंड ऑन ऑफ के लिए ये है, ठीक है। जैसे इसको ऑन करूँगा क्रिस्टल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे क्रिस्टल डायमंड सिर्फ इसी से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सेक्शन के लिए है एयर का, ठीक है, ये इसका प्रोप है, ठीक है, क्रिस्टल का। ऑन ऑफ क्रिस्टल के लिए ओनली यही है, और ये सेक्शन के लिए है, और ये पाउडर कंट्रोल के लिए है, जो फ्लो क्रिस्टल का जो फ्लो होगा ना उसके लिए है, ठीक है। इसके इसको ऑन करेंगे क्रिस्टल को तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जो नोब है ये क्रिस्टल पे ही रहना चाहिए स्टेट में इसको, ठीक है, यहाँ पे। और सेक्शन का मैं दिखा देता हूँ, सेक्शन कितना बढ़िया है इसका, ये देखिए, ठीक है। और मैक्सिमम करना और मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम होगा, ये देखिए। इसके अलावा क्रिस्टल डालने के लिए यहाँ से है, ये क्रिस्टल डालने के लिए है, ऊपर से आप डाल सकते हैं क्रिस्टल, ठीक है। ये वेस्टेज के लिए है, ये फिल्टर है सेंटर वाला, ये वेस्टेज के लिए है, क्रिस्टल के लिए लाइन दिया गया हुआ है, सिर्फ इतना ही डाल सकते हैं क्रिस्टल, और जो वेस्टेज है यहाँ तक आ जाएगा, ये बीच में से अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको रिमूव करके और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से बोतल बाहर आ जाता है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये वेस्टेज के लिए है। और सेम है इसको लगाने के लिए, सेम इसको टाइट करेंगे और टाइट करके इसको वापसी यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अब इसी में हमने अगर डायमंड अगर सेट करना है डायमंड के लिए तो सिर्फ सिंपल है, बैक साइड से जो ये प्रोब लगा हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह डायमंड वाला प्रोब हम लगा देंगे, ठीक है, जिस पे डायमंड लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये वाला प्रोब निकालना है जो राइट में है, ठीक है। अभी ये आपका जो डायमंड का प्रोफ है ये स्टार्ट हो गया। कंट्रोल के लिए सेम है, यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं इस डायमंड को भी, ठीक है। डायमंड क्रिस्टल जब भी ऑन करेंगे सिर्फ एक ही स्विच ऑन होगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जेड स्प्रे के लिए, तो ये भी स्विच ऑन करना पड़ेगा हमारे को, ये भी ऑन रहेगा और ये भी ऑन रहेगा, दोनों स्विच ऑन रहेगा इसमें। और जो राइट साइड में जो नोब दिया हुआ है ये क्रिस्टल हाइड्रोजेट का, ये हम इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। जैसे इसको रोटेट करेंगे, जो हमारा डैंड्रफ के लिए है ये प्रोब, जो डैंड्रफ के लिए है ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इसका जो प्रेशर है वो देखिए स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। इसका भी कंट्रोल के लिए दिया गया हुआ है, जो इस प्रेजेट गन लिखा हुआ है और डेंड्रफ के लिए ये यही इसका कंट्रोल है। आप मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से कर सकते हैं इसको, इस तरीके से करेंगे तो मिनिमम पे हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा इसके अंदर में, और इसको राइट को रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज तो इसमें सक्शन आ जाएगा, ठीक है। सेम यही है, जेट स्प्रे भी अगर हम इसमें लगाएंगे तो इसी को निकाल देंगे
यहाँ से इसको, ठीक है। जब भी हम पाइप वगैरह निकालेंगे, ब्लू कलर का जो कैप है, पहले इसको प्रेस करना होता है इस तरीके से, फिर निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजेट हो गया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इसके अंदर ही स्टार्ट हो गया सक्शन लीकेज। जो भी लिक्विड वगैरह हम डालेंगे ऊपर से डाल सकते हैं यहाँ से। इसका भी सक्शन मिनिमम मैक्सिमम करेंगे तो सेम यही है, जो फ्लो है हाइड्रोजेट का यहीं से ही कंट्रोल होगा। इसको भी ऑफ करने के लिए सेम है, दोनों स्विच आपको ऑफ करना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। थैंक यू।